ये इनका इंजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको इसी से इंजेक्शन अभी देंगे और आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पे नंबर में लगा हुआ है, सभी मुर्गे को इंजेक्शन दिया स्वागत जाए। है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी हम हैं मुर्गा फॉर्म में, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ आम का बगीचा है, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो है कि मंजर निकल चुके हैं, और कुछ दिन के बाद इसमें टिकोला आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम उस पेड़ के नज़दीक है, और इसमें जो है कि अभी मंजर आ चुका है, और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि मुर्गी पालन किया जाता है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि सभी मुर्गी को जो कि इंजेक्शन दिया जा रहा है, और जितना भी देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुर्गा है, और बीच में जो है कि बगीचा है आमों का, और इसमें अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मंजर आ चुका है। और चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का कुछ दृश्य। पहले दोस्त आप देख सकते हैं ये जो है कि आम में जो है कि मंजर निकल चुका है, और इसमें कुछ ही दिन में जो टिकोला आ जाएगा, आम बड़े बड़े आने लगेंगे। तो इस सभी पेड़ों में जो है कि आप देख सकते हैं मंजर कैसा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है आमों का मंजर। और आगे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है कि मुर्गी फॉर्म है इधर भी, और इधर आप देख सकते हैं ये है मुर्गी फॉर्म, और इसमें जो कि देखिए बहुत सारे मुर्गे हैं, सभी अभी बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, अद्भुत है। और अभी हम दिखाएंगे आपको जो कि सभी मुर्गे को इंजेक्शन दिया जाता है, किस प्रकार इंजेक्शन लगता है तो हम आपको दिखाते हैं। और अभी हम हैं बगीचे में, और बगीचे में जो देखिए मंजर आया हुआ है, और इस बीच में आप देख सकते हैं ये जो तालाब, और इसमें मांगुर मछली पालन किया जाता है। फिलहाल मछली भी जो है कि बड़े बड़े हो चुके हैं, और इसमें बहुत सारे मछली हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं इसमें जाल लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ जो है कि मछली जब छोटी छोटी थी तो उसको जो है कि यहाँ से लेके भाग जाया करता था तरह तरह के। तो चलिए हम आपको मछली भी दिखाते हैं, इसमें मछली है, मांगुर मछली पालन किया जाता है, और आसपास में जो है कि यहाँ पे मुर्गा पालन किया जाता है, और बीच में आम के बगीचे हैं जिसमें अभी मंजर आ चुके हैं, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो बीच में गड्ढा बनाया गया है, और इसमें जो है कि मांगुर मछली पालन किया जाता है, और इसका पानी आप देखिए कितना गंदा हो चुका है, और पानी का रंग जो है कि देखिए हरा हो रहा है, और इसमें लगातार पानी आते रहता है, क्योंकि इसमें ऊपर से आप देख सकते हैं ये जाली दिया गया है, क्योंकि कोई चीज़ वहाँ जो चिड़िया आता है जो कि मछली को लेके सीधा उड़ जाया करता था, इसी कारण से यहाँ पे दिया गया है। और फिलहाल इसमें मुर्गा है, और जो भी मुर्गा मरता है उसको सिर्फ इसमें पानी में दिया जाता है। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं, और ऊपर में आप देख सकते हैं आम का बगीचा जो है कि यह काफ़ी सुंदर है, और सभी में अभी मंजर आ चुके हैं, और इसमें छोटे छोटे टिकोले कुछ दिन में 10 दिन में आ जाएंगे, तब इसका दृश्य देखने लायक होता है। और अभी आप देख सकते हैं जो एक इसका आम का मंजर कैसा है, और काफ़ी सुंदर लगता है जब आमों में मंजर निकलता है, इसको हम फूल भी बोल सकते हैं। और इसमें जो है कि इसमें छोटे छोटे फिर जो है कि टिकोले आ जाएंगे 10 दिन में, 10-15 दिन में इसमें निकल जाएंगे, तब इसका रंग रूप देखने में काफ़ी ही सुंदर लगता है। तो चलिए हम आगे भी आपको दिखाएंगे यहाँ का कुछ नज़ारा। इसमें देखिए छोटे छोटे जो है कि मुर्गे के चूजे हैं अभी, और इसको अभी इंजेक्शन लग रहा है, और इंजेक्शन सभी को जो है कि सर्दी खांसी इसमें काफ़ी हो चुका है, और इसको इंजेक्शन के लिए यहाँ पे नंबर में लगा हुआ आप देख सकते हैं, और इंजेक्शन इसको लगाया जा रहा है। और ये इनका इंजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको इसी से इंजेक्शन अभी देंगे और आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पे नंबर में लगा हुआ है, सभी मुर्गे को इंजेक्शन दिया जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो है कि बहुत बड़े बड़े मुर्गे मरे हुए फॉर्म में, और वह सभी मुर्गे जो है कि मांगुर मछली को खाने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम आपको मुर्गा दिखाते हैं जो कि अभी मरा पड़ा है, डेली का जो है कि इसका 25 से 30 मुर्गा मर जाता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम
हुआ होगा गाइस, और वो सभी मुर्गे जो है कि मछली को दिया जाता है। तो आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी मुर्गे रखे हुए हैं। तो चलिए हम आपको बैक कैमरे से अच्छी तरह से दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे मरे हुए हैं और सभी को जो है कि यह मछली को दिया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ है बीच में आम का बगीचा और बीच में जो है कि मछली पालन किया जाता है और इधर मुर्गा पालन किया जाता है। दोनों साइड मुर्गा पालन और बीच में मछली पालन किया जाता है। और आप देख सकते हैं अभी आम में जो है कि मंजर निकल चुका है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। कुछ दिन के बाद इसमें बड़े बड़े टिकोले भी आ जाएंगे और अभी मंजर का सीजन है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका है मंजर और इसमें जो है कि मांगुर मछली बड़े बड़े हो चुके हैं। और ये आपका आम का मंजर है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आम का मंजर कैसा है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। सभी आम के बगीचे में अभी मंजर आ चुका है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नज़ारा काफ़ी ही अद्भुत है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।